हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसन्नजीत, आप देख रहे हैं प्रसन्न हिंदी टेक। आज EPFO ने बहुत ही खुशखबरी दी है हम लोग के लिए, जो कि है आप कंपनी की नौकरी छोड़े हुए अगर 2 महीना हो गया हो तो आप खुद से ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए। पहले क्या होता था, हम कंपनी को हम लोग को बोलना पड़ता था डेट ऑफ एग्जिट बैठाने के लिए, लेकिन आप अभी खुद से ही डेट ऑफ एग्जिट बैठा सकते हैं। तो आज हम लोग वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे डेट ऑफ एग्जिट हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपका हेल्पफुल लगे और काम पे आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना मोबाइल का या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन करेंगे। अगर मोबाइल से किए तो पहले चेक कर लेंगे मोबाइल डेस्कटॉप साइट किया हुआ कि नहीं है। अगर नहीं किया हुआ रहता है तो प्लीज़ डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे और क्लिक करके EPFO टाइप करेंगे। EPFO टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पेज आएगा उसमें हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही और एक तो नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक तो नया पेज आ जाएगा। नया पेज आते ही जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम क्रॉस को अनटिक करके नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। उसके बाद सर्विस ऑप्शन आएगा। सर्विस ऑप्शन में क्लिक करते ही और डॉट ऑप्शन मिलेगा जहां पर हमको क्लिक करना होगा फॉर एम्प्लॉइज में। फॉर एम्प्लॉइज क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज आएगा जहां जाके हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेंबर UN और ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करने के बाद और एक तो नया पेज आएगा जहां हम लोग को UN नंबर और पासवर्ड टाइप करना होगा। UN नंबर पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे जो कैप्चा आएगा वो कैप्चा को हम लोग फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे साइन इन बटन में क्लिक करेंगे। साइन इन बटन में क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा उसको हम लेटर करके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हम लोग का और एक तो पेज ओपन होगा जहां पर हम लोग का फुल डिटेल्स लिखा होगा। ये सब हम लोग चेक करके ठीक से चेक कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जाके मैनेज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। मैनेज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो 5 ऑप्शन हम लोग को मिलता था, पहले हम लोग ऊपर का 4 ऑप्शन मिलता था और कंपनी में अभी नया अपडेट आया है मार्क एग्जिट, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक तो नया पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स। यहां पर सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कौन सा कंपनी का आप डेट ऑफ एग्जिट निकालना चाहते हैं। तो हम एक सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट चूज करना होगा, जो कि है कंपनी के काम छोड़े हुए 2 महीने के बाद का डेट देना होगा। पहले क्या होता था, 6 महीने के बाद ऑलरेडी कंपनी से किया जाता था, अभी हम लोग खुद से 2 महीने बाद कर सकते हैं। तो चलिए एक तो डेट टाइप करते हैं। यहाँ पर एक तो नोटिफिकेशन आया, यू कैन सिलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मंथ बाई द एम्प्लॉयर। तो चलिए एक तो डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे और एक तो ऑप्शन है री सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, नीचे भी सेम आपको डेट बैठाना होगा। यहाँ पर भी एक तो नोटिफिकेशन आता है, सेम नोटिफिकेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, आप क्यों काम छोड़े हैं या कंपनी से काम छोड़ाया है ये आपको लिखना होगा। रिटायरमेंट हुआ है तो रिटायरमेंट लिखना होगा, जो भी है आपका टाइप करना होगा या फिर सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर ऐड है उसमें आपका एक तो OTP जाएगा। OTP सेंड करते एक तो नोटिफिकेशन आता है, यू हैव रीड द पॉलिसी केयरफुली पॉइंट्स केयरफुली, फिर उसके बाद नेक्स्ट करके आगे निकल जाएंगे। उसके बाद इंटर आधार बेस्ड OTP, यहाँ पर जो OTP आपका मोबाइल नंबर पर जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। ये OTP ऐसे ही नहीं जाता, आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है उसी में आपका OTP जाएगा। ये ध्यान रखिए कि आपके आधार में मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है कि नहीं है, अगर नहीं किया हुआ रहता है तो फिर आप ये नहीं कर सकते। पहले आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करना मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। नोटिफिकेशन आता है, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, फिर अपडेट कर दीजिए। और उसके बाद
प्रोसेस होते कुछ टाइम लगेगा, फिर आपके सामने और एक तो नया पेज आएगा। नया पेज आते ही नोटिफिकेशन आता है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के ये काम 5 मिनट में सक्सेस हो गया है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपके काम में आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।